वैसे आप साहब, ये आज मैं अभी ग्रोसरी के लिए गई थी तो मैं झींगे लेके आई हूँ। तो मैंने कहा आज झींगे बनाती हूँ, इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। अभी मैं वो आपको क्लीन करना बताती हूँ। इसको यूँ पकड़ते हैं तो इसकी ये निकल आती है, फिर उसके बाद इसके बैग में ना एक बाल जैसी तार होती है, वो साफ करनी होती है। वैसे मैं जो लेती हूँ बनी हुई होती है, लेकिन फिर भी मैं चेक करती हूँ कि साफ है। और किसी में आपको मैं दिखाऊंगी क्लीन सही से नहीं होता जैसे कि ये, लेकिन मैं सबको बारी बारी खोल के देखती हूँ। ये देखें, ये बैग में इसकी कटिंग करती हूँ, फिर देखती हूँ इधर कोई तार तो नहीं, नहीं है, क्योंकि ये बनी हुई है और ये कहीं कहीं रह जाती है। ये एक मुझे नज़र आई हुई है कि इसके अंदर सही से क्लीन नहीं हुआ हुआ। आपको बताने के लिए ये मैं पहले कर लेती हूँ, करूँगी मैं सब वन बाई वन, लेकिन इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखें, ये ब्लैक सी होती है, ये गंदगी होती है, तो इसको साफ़ करना होता है और अच्छी तरह। हालांकि इस पर लिखा हुआ है कि क्लीन किया हुआ, लेकिन मुझे पता होता है कि हर कोई वैसे काम नहीं करता जैसे आप घर में करते हैं। हल्दी और थोड़े से लेमन और नमक लगा के रख दिया था ताकि इसके जितने भी पानी हो ये प्रॉन के निकल जाए। और ये मसाले में मैंने एक ओनियन ली है छोटी साइज़ की, उसको कटिंग कर लिया है। ये साबित मिर्च होती है, इसको क्रश कर लेती हूँ। लहसुन डालती हूँ, ये भी क्रश कर दिया है कद्दूकस करके। ये ज़ीरा है और ये सॉल्ट है। सॉल्ट इसमें थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि हमने इसमें भी ऐड किया हुआ है, तो आप जब डाला करें कम। और ये एक टमाटर है, बड़े साइज़ के तो एक ले लीजिएगा, नहीं तो छोटे हैं तो दो। और ये हरा धनिया, हरी मिर्च। अब हम मैं इसको धो लूँगी, इसको आधा घंटा हो गया है, 10-15 मिनट में भी हो जाता है, आधा घंटा हो गया इसको धो। इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मौन ऐड कर दूँगी, जैसे इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, फिर इसको निकाल लेना है। इसको देखिए मैंने अच्छी तरह कटिंग की है, इसकी आप कटिंग देखिए, एक एक को बिल्कुल सही से कटिंग की। और इसका जो है ना पानी सारा ड्राई हो गया है, अब ये ऑयल बच गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। प्याज डालूंगी इसमें, ब्राउन करूंगी इसको, इसमें इसको मैंने स्ट्रॉन्ग सुनहरा सुनहरा करना है, फुल फ्राई नहीं करना। फिर तो उसके बाद लहसुन अदरक कर ऐड कर दूंगी। प्याज ब्राउन हो गई है, मैं सब लहसुन, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च थी ना, नमक, ये सब मैं साथ ऐड कर दूंगी। करके अब मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूंगी इससे, क्योंकि हल्दी तो मैंने पानी से निकाल दिया था सारा, तो इसमें पानी, हल्दी और थोड़ा सा हल्दी और साबुत मिर्च, पिसा हुआ धनिया भी ऐड करूंगी इसमें। सब भून गया है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी जिसमें अच्छी तरह टमाटर और प्याज ये लहसुन बन जाए, पक जाए अच्छी तरह। अब कवर कर दूंगी जब तक टमाटर गल रहे हैं उस तक। हो गए हैं, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। हाँ ये देखिए, पतली बन रही है। अब मैं इसको ये डाल के ना इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह। हाँ एक जॉब बंद कर दो, एक जॉब खुला होता है ना तो आवाज़ भी कट रही होती है। तो इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। पूरे हीक वगैरह पहले ही निकाल चुकी होती हूँ, प्रॉन का फ्राई फुल अच्छी तरह हो चुका होता है, तो इस तरह से वो हो जाता है कि आप वैसे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा तैयार होता है, बस मसाले में डाल के मैंने 1-2 मिनट इसको भूनना होता है, 5 मिनट तक। और फिर अब ये सब चीज़ें डाल के दम पर रख दूँगी। ये मैं इसको चूल्हा बंद करती हूँ और इसको डिश आउट कर दूँ। ये प्रॉन मसाला रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें।